हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग फेस मास्क बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही बढ़िया काम करेगा हमारे फेस से रिंकल्स की प्रॉब्लम को सही करने में। फ्रेंड्स, इसमें जो हम मेन इंग्रेडिएंट लेंगे वो मैं ये ग्रीन टी लूँगी, क्योंकि ग्रीन टी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं हमारे रिंकल्स की प्रॉब्लम को सही करने में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस फेस पैक को हम किस तरीके से तैयार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने रॉयल स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो आपका थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम पर तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं अपनी सारी लाइफ अपडेट्स आपके साथ में शेयर करती हूँ, बिहाइंड द सीन्स और ब्लूपर्स वाली मस्ती वहां पर चलती है, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर तो फटाफट आ जाइए। उसके अलावा फेसबुक पर भी मेरा पेज है रॉयल स्टाइल, आप उसको भी जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रीन टी फेस मास्क बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही बढ़िया काम करेगा हमारे स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट एंड सपल बनाने में। अगर हमारे फेस पे रिंकल्स की प्रॉब्लम है, स्कार्स की प्रॉब्लम है, तो ये पैक बहुत ही बढ़िया काम करेगा उसको सही करने में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कि ग्रीन टी का पाउच लेंगे, हम कोई भी पाउच ले सकते हैं ग्रीन टी का। इस तरीके से हम सारा सॉल्यूशन इसमें निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करेंगे, और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल मिक्स करेंगे। ये हमदर्द रोगन बादाम शिरीन लिया है मैंने, 100% प्योर एलमंड ऑयल ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसे अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं, इसे ये 100% प्योर होना चाहिए। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम इसके 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे, लेकिन अगर हमारी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो हम इसको आधा चम्मच के आसपास डाल सकते हैं। उसके बाद इन सभी को हम बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे, और एक ये बहुत ही बढ़िया हमारा ग्रीन टी का फेस मास्क तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब किस तरीके से अपने फेस पे इसको लगाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने से पहले हमारा फेस बिल्कुल साफ होना चाहिए, और इस तरीके से पूरे अपने फेस पे हम अप्लाई कर लेंगे इसको। अगर हमारे फेस पे ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे सही होगी। और फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी एक थिक लेयर हम अपने फेस के ऊपर लगा लेंगे, और 15-20 मिनट के लिए इसको इसी तरह से लगा रहने देंगे, उसके बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने फेस को वॉश कर लिया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, फेस वॉश करने के बाद में हम अपने फेस पे सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा, और FB पे मेरे पेज रॉयल स्टाइल को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरी वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप ज़रूर प्रेस करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।